डबल इंजन की सरकार वो चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार यहाँ चलेगी, वो तो 8.5 की बोल रहे हैं, 16.5 भी दे सकते हैं। शिवराज सिंह अच्छा है और ना कांग्रेस अच्छी है। अगर मान लीजिए हमारे सांसद जी का कहना है हम 8.5 हजार रुपए महीना देंगे, ये क्या दे रहे हैं, 1.5 हजार रुपए 1200 रुपए महीना दे रहा है सांसद जी। जिस दिन बैठेंगे उस दिन बिठा लो उनको, हम तो कहते हैं 8.5 हजार रुपए महीना देंगे वो भी। जो चल रहा है ना उनका 400 सीट 400 सीट 400, देखो पता चलेगा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, इस बातचीत का पता चलेगा 400 के पार निकलेगी क्या होता है। जो बोलते हैं कि लाडली बहना योजना, हमारी मिसेज का फार्म तक तो भरा है नहीं, लाडली बहना योजना कौन को दे रहे हैं ये भी नहीं पता। फिर आपको क्यों लगता है कि सरकार ही नीति बनेगी? अरे लग रहा है हम तो खुद नहीं देते, हम तो हमारे बाप दादा कह गए थे कि बीजेपी को देना। अच्छा। अब दोनों जन लगे पर हम कांग्रेस को देते हैं, जब से वो गए जमीन नहीं है अपने पास, प्लाट नहीं है अपने पास, इसलिए ये शांत रहिए बिल्कुल। देखिए अपन जो भी बातचीत कर रहे हैं आपके मन की बात जानने कोई मत, बिल्कुल आराम से बात करिए, आप आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान की छवि उनके ऊपर कोई भारी बैठेगी या वो इतनी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भी सीनियर रह चुके हैं और वो पहले भी विदिशा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी तो कुछ काम किया है जब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं डबल से। सब योजनाएं ठीक है, वो पब्लिक के लिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक कोई कर रही है और क्या, सब महंगाई देखो कितनी बढ़ती जा रही है, हर चीज कितनी महंगी है। कहते कुछ है करते कुछ है नहीं है सब, इसलिए हम तो ये कहीं जानते हैं वो तो बोल करेगा और हम तो जाके रही इस बार ये जी का पहुँचाए कामयाब हो जाए। दिमाग ये अपन तो पॉलिसी है सब कुछ है। कौन सी कंपनी की पॉलिसी? अपनी LIC की है, लेकिन LIC को भी मत। आप LIC के बड़े? हमारे गांव में 400 घर हैं, 400 घर में 3 आदमी की छूट भई थी। अच्छा। तो बेबी दूला हमें तो आज तक कोई सुविधा नहीं मिली बीजेपी गवर्नमेंट में। करते हैं साहब सरकार, जाते हैं नगर पालिका वहाँ पे कहते हैं लिया 5-10 हजार रिश्वत दो जब काम होगा। जिस दिन कांग्रेस बैठेगी गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस की, जब ना वो करेगी कि जेब से ला के थोड़ी ना देगी कांग्रेस अपने घर से कि लो बहनों ले जाओ। तो गाँव में जा कहते हैं ये हाथ काटे दो जहाँ से ना हो कलान से, यह दो ही पाँव कटे, यह दो यहाँ का फूटे तो बीमा मिलते कहीं, बीमा भी ऐसे नहीं मिले कहीं ये लाए ठीक। तो आपको कोई सरकार कोई दुर्घटना में आपके साथ ये सब हुआ? मेरे साथ जो लग रहे हम तो ऊपर वाले देखते हैं साहब, ऊपर वाले जहाँ पे लहर होगी अच्छे खराब होंगे मंडीदीप में विकास की नदियाँ बहेंगी जब वो जीतेंगे। जब चौराहे आई उनसे बातचीत कर रहे हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम मोनू चौक से। मोनू भाई आप यही मंडीदीप के रहने वाले हैं? लोकल प्रॉपर मंडीदीप के। क्या चल रहा है आपके इधर माहौल चुनाव का, आपको क्या लग रहा है, क्या आपके इधर किसका पल्ला ज्यादा भारी लग रहा है? हमारे यहाँ तो हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, हमें कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट से आपको मतलब लग रहा है कि कांग्रेस को शिवराज सिंह को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ऐसा क्या ऐसे उनके व्यक्तित्व में क्या खूबियाँ दिख रही हैं आप? पहले भी वो अपने वो विदिशा से सांसद रह चुके हैं। अच्छा। पहले भी उनने कई अच्छे काम करे हैं इसलिए लग रहा है कि वो टक्कर दे सकते हैं और जीत रहे हैं वैसे तो। तो आपको लग रहा है कितने वोटों के अंतर से वो जीतेंगे? अगर मान लीजिए जैसे अपन जीत का अंतर भी मानेंगे तो 1 लाख वोट से ऊपर जीत रहे हैं, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन उनके अगेंस्ट में उनके अपोजिशन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान की छवि उनके ऊपर कोई भारी बैठेगी या वो इतनी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भी सीनियर रह चुके हैं और वो पहले भी विदिशा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी तो कुछ काम किया है जब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं डबल से। काफी लंबे समय के बाद वो फिर से सक्रिय हुए हैं चुनाव के बीच में, मतलब लोकसभा चुनाव में काफी लंबा 30 साल के अंतराल के बाद लगभग वो फिर से पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि उनको भरोसा करा पार्टी ने उनको? पार्टी ने उनमें कुछ खूबियां देखी होंगी जब तो उन पे भरोसा करा, जीतने की 100% उम्मीद है कि 1 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे। मंडीदीप के विकास के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे कि वो जब जीतेंगे तो मंडीदीप में क्या जरूरतें हैं जो मंडीदीप में विकास की नदियां बहेंगी जब वो जीतेंगे? जब अभी जैसे अगर अपन शिवराज सिंह चौहान जी की छवि को अगर एक तरफ रखते हुए भी उनके बारे में सोचें तो इतने लंबे अंतराल तक वो राजनीति से क्यों दूर रहे? इतने लंबे अंतराल से राजनीति से दूर नहीं रहे, राजनीति में बराबर रहे, मगर उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, यही चीजें रही है, बाकी राजनीति के अंदर रहे, वो राजनीति से दूर कब रहे बताइए आप? आपको यहाँ पर आप यहाँ रहते हैं, आपको सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा मिलती है जो कोई जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना या कुटी योजना या किसी प्रकार का कोई? हमें तो आज तक कोई सुविधा नहीं मिली बीजेपी गवर्नमेंट में। अच्छा।
किस टाइप की सुविधा नहीं मिली, जैसे राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड नहीं है ना, क्या कहते प्रधानमंत्री आवास नहीं मिली, जो चीज मिलती है दूसरे लोगों को वो चीज नहीं है। अन्य योजना तक की हमें फीस भर भर के पढ़ाना पड़ता है। क्या तो आपने कहीं सरकारी योजना के लिए कोशिश नहीं करी, आवेदन नहीं करा? करते हैं साहब, सरकार जाते हैं नगर पालिका, वहाँ पे कहते हैं लिया 5-10 हजार रिश्वत दो जब काम होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि रिश्वत मांग रहे हैं, उसी वजह से काम रोक रहा है आपका, या आपके कागज हो सकता है कंप्लीट ना हो, या कोई और कारण? बनाने वाले भी तो वही लोग है ना, कागज ही नहीं बनाएंगे तो काम कैसे होगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता या सरकारी नहीं मिला आज तक? जो बोलते हैं कि लाडली बहना योजना, हमारी मिसेज का फार्म तक तो भरा है नहीं, लाडली बहना योजना कौन को दे रहे हैं ये भी नहीं पता। अच्छा, तो क्यों आपका लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसमें कुछ काम? बोलते हैं कि आपके नाम पे कार है, आपके नाम पे ये वो है, उनको नहीं मिलेगा। ये तो योजना के नियमों में शामिल है ना कि देखिए, तो कह रही है ना, हम तो सभी बहनों को देंगे, नारी सम्मान योजना देंगे। देखिए अभी उन्हें सिर्फ वादा करा है, लेकिन उसकी नियमावली नहीं आई है। जब जिस दिन कांग्रेस बैठेगी, गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस की, जब ना वो करेगी, जेब से ला के थोड़ी ना देगी कांग्रेस अपने घर से कि लो बहनों ले जाओ। वही बात है ना, हो सकता है जब वो नियम लागू करेंगे तब भी बोलेंगे कि साहब आपके पास कार है, आपको बीजेपी वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, चाहे सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव जी, अपने घरों से ला के दे रहे हैं क्या? ये भी तो सरकार का पैसा, सरकार का ही पैसा। जब जिस दिन कांग्रेस बैठेगी उस दिन कांग्रेस भी देगी। अगर मान लीजिए हमारे सांसद जी का कहना है हम 8,500 रुपए महीना देंगे, ये क्या दे रहे हैं? 1,500 रुपए 1,200 रुपए महीना दे रहे हैं। सांसद जी जिस दिन बैठेंगे उस दिन बिठा लो उनको, हम तो कहते हैं लो 8,500 रुपए महीना देंगे वो भी। लेकिन ये योजना तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दे रहा है ना आपको? मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दे रहे हैं, तो भाई केंद्र में जब डबल इंजन की सरकार वो चला रहे हैं, डबल इंजन सरकार यहाँ चलेगी वो तो 8.5 की बोल रहे हैं, 16.5 भी दे सकते हैं वो तो। आपको लगता है कि 8,500 रुपए का बजट सरकार के पास पॉसिबल है किसी एक हर एक महिला? देखिए ये इनके पास पॉसिबल है क्या ये 1,500 रुपए दे रहे हैं? अभी अभी सरकार, कांग्रेस भी तो बोल रही है इस बात को कि उनके पास सरकार के पास बजट नहीं है तो कब तक देंगे? तो ऐसे अगर कांग्रेस के पास भी बजट नहीं आएगा तो कांग्रेस कहाँ से पैसा? देखो साहब, बजट तो कहीं से नहीं आता। अभी इनने 300 रुपए घटाए सिलेंडर के, यही चुनाव खत्म होने के बाद में यही सिलेंडर 1600 का मिलेगा आप तो। अभी हम मैं बोल रहा हूँ ये चीज आप आगे चल के देख लेना, ये निकालेंगे अपन लोगों से। ये तो सिर्फ फालतू की योजना है, चुनाव आए 4 महीने की योजना निकाल दी, वोट बैंक बना रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है चुनाव खत्म होने के बाद योजनाओं में फिर बंद हो जाएगी, जो बहनों को पैसे लगा वादा जो कर रहे हैं नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिल रहा और अभी आने वाले समय में बंद हो जाएगा। ये आचार संहिता लगी जब से बंद है और उन्होंने कह दिया आचार संहिता के बाद टोटल बंद है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, कुशवाहा जी ने हमसे बोला है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हम इस विषय में और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपसे बात, मनीष जैन। मनीष जी, आप यहीं के रहने वाले? मैं तो भोपाल में रहता हूँ। अच्छा, भोपाल में रहते हैं आप। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के हिसाब से, आपको क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने से? वो सरकार तो बीजेपी की बनेगी यार। आपके क्षेत्र से आप भोपाल में वोटर, आप मतदाता भोपाल में, आपके इधर आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं, किसका पक्ष आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है? आलोक शर्मा के लग रही है, वो आलोक सेना तो अभी आए हैं, आलोक शर्मा पुराने हैं, कोई जीत सकते हैं। आपको सरकार की कोई ऐसी योजना जो आपको लग रहा है कि उन्हें पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छी चलाई? सब योजनाएं ठीक है वो पब्लिक के लिए, क्या पब्लिक का पैसा पब्लिक कोई कर रही है और क्या? सब महंगाई देखो कितनी बढ़ से जा रही है, हर चीज कितनी महंगी है। महंगाई बढ़ रही है तो फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार आती है तो ये चीज में कंट्रोल होगा? अब वो उनकी सरकार पहले थी तो था थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं था जितना इनकी सरकार में, जो इतना महंगाई जो बढ़ी है वो उस टाइम कहाँ थी? उस टाइम जो चीज अपन ने 3 रुपए में खरीदी थी आज वो 10 रुपए की भी तो हो गई ना? वही कह रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने प्रॉपर्टी अगर उस टाइम 50,000 में खरीदी थी तो आज वो 5 लाख की भी तो हो गई ना, इसके भी तो पैसे बढ़े ना। सोना आपने 20,000 खरीदा था, आज 75,000 हो गया, मगर इन्हें रेट बहुत बढ़ा है। 10-15 की सरकार रेट नहीं बढ़ाती, सरकार के तरीके अलग होते हैं, कुछ मार्केट के वैल्यू के हिसाब से बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है सरकार जानबूझ के इन चीजों के रेट कम नहीं कर रही? हाँ देखो ना, सोना आज 75,000 हो गया, उस टाइम मालूम है मैंने 2,000 में 4,000 रुपए था, 4,000 लिया था, 75,000 रुपए हो गए तो आज आपके सोने की वैल्यू ना। मैं अरे वैल्यू क्या बढ़ी है आज खरीदने के लिए, आप सोचो पहले आदमी खरीद लेता था। हाँ, अब तो सोना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मगर इन लोगों ने मगर बहुत रेट हर चीज के बढ़ाए यार। फिर आपको क्यों लगता है कि सरकार इन्हीं की बनेगी? अरे लग रहा है, हम तो खुद नहीं देते, हम तो हमारे बाप दादा कह गए थे कि बीजेपी को देना। अच्छा। अब दोनों जने चले गए ऊपर, हम कांग्रेस को ही देते हैं, जब से वो गए हैं बाप दादा जो थे वो कह गए थे। अच्छा। कि हाँ बीजेपी को देना अपने को, और अब हमने छोड़ दिया। अच्छा।
हम 5-10 साल से कांग्रेस को देते हैं, चाहे वो वोट खराब चाहे देते कांग्रेस को। तो आपने इसे शुरू में बोला था, आपने जैसे शुरू में बोला था कि मैं बीजेपी का आलोक शर्मा। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि इनने उसको खड़ा करा है ना, जो पुराने ये भी कौन से सही है, कितनी बार तो हार चुके हैं। कौन, आलोक शर्मा? आरिफ अकील ने कितनी बार हारा है इनको। आप आलोक शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ के? भानपुर में रहता हूँ। भानपुर के रहने वाले आप? हाँ, वो भी कहे कि काम वाम कौन करते, वो भी बड़े लोगों का काम करते, छोटे लोगों को देखते बड़ा कर दिया है। अब जो चल रहा है ना उनका 400 सीट 400 सीट 400, देखो अब पता चलेगा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, इस बातचीत का पता चलेगा 400 के पार निकले क्या होता है। चलो हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद दादा, राम राम। क्या लग रहा हो आपकी बार, कौन की सरकार बना रहे हो आपकी बार? आप बताइए सरकार बन रही है, आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे के डबल आपका साथ जिनकी किस्मत किए जो होंगे कोई बनेगा वो तो वो ऊपर वालों बनाएगा। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो दम दे पाएंगे? नहीं, हम तो ऊपर वाले देखते हैं साहब, ऊपर वाले जहाँ पे लहर होगी अच्छे खराब होंगे वो आएगा। उनने तो जनता की भलाई के लिए बहुत काम किया है, तो बस ईश्वर की कृपा हुई थी, मतलब ही नहीं है, तो मेरी हमारी कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल सही बात, समय पे वो खुद लौटा देगा, डारे में जा रहा है वो कहाँ डर जा रहा है। आपका कहना है कि मतलब कर्मों का फल जो मिलना है वो भोगना है तो भोगेगा, और अच्छे फल मिलना है तो राजयोग बनेंगे तो मिल जाएंगे उन्हें, अपना कोई वो नहीं है। लेकिन आप वोट डालोगे, आपके वोट की ताकत से ही तो वो जीतेंगे। वोट डालते डालते भी मतलब पलट सकता है। अच्छा, हाँ वो पलटाएगा, अपन विचार करके जा रहे हैं या फूल या हाथ में देवे जा रहे हैं, जब उसकी पलटी होगी ना ऑटोमेटिक बदल लेगा, ऊपर वाले की लहर कृपा होती है। बात आपको सिंह चौहान की अच्छी लगती है कि उन्हें मुख्यमंत्री रहते कोई काम अच्छा करा? शिवराज सिंह अच्छा है और ना कांग्रेस अच्छी है, सब अच्छे हैं वहाँ। कांग्रेस कोई जो मतलब शिवराज सिंह भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, नहीं आई समझ में, जो भी ये थे सब अच्छे हैं। नहीं, उन्हें किसानों के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी योजनाएं चलाई। बोले 27 ना पीसी के बोले थे, हाँ पीसी के बोले थे चुनाव के पहले, 2700 के रेट। हाँ, और अब क्या रेट जा रहा है? 2400 ही गई। वो बोनस भी तो दे रहे हैं ना? कहाँ दे रहा है, नहीं 225 रुपये बोनस, कोई बोनस नहीं है। अच्छा, पर क्या भी नहीं दी, पर क्या भी नहीं दी ना। लेकिन हम मंडी में और भी लोगों से मिले थे, उन्हें बोला कि 225 बोनस भी मिल रहा हो। नहीं, हम भी किसान ही हैं ना, इसलिए पूछा मैंने आपसे। नहीं, कोई बोनस नहीं है। तो अभी आपका गेहूं कुल 2400 रुपए के भाव बिक रहा है, तो आपको लग रहा है कि उन्हें वादा खिलाफी करी? हाँ, वो है ना है? और ऐसे ही कांग्रेस है कि कांग्रेस ने 2.5-3 लाख कोई कचू 1000 आदमी में 2 आदमी के मान लो बैंक शांत भाई, बाकी के बाकी पाबाओ कोई हिसाब नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, नहीं है सब। इसलिए हम तो एक ही जानते हैं वो तो बोल करेगा, दोनों पार्टी कहती कुछ है होता कुछ है। अच्छा, वोट डालना आया था मैं ईश्वर के ऊपर कहाँ जा रहा हूँ, और हम तो जा कह रहे हैं ईश्वर ऐसी जगह पहुँचाए कामयाब हो जाए, जिसको आपका वोट मिले वो जरूर जीते। इतनी सी बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही थी उसमें अन्न योजना है कि आपको मिलता है ना? मिलता भी है, वो भी थोड़ी कम होगा है, नहीं यही समझ में हो गए हैं, वो जिन्हें मिलना चाहिए वो इन्हें कम मिल रहे हैं, वो जिन्हें नहीं मिलना चाहिए भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, और जो मकान के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से है वो तो छुट्टा है, वो साहब छुट्टा है, कहते कुछ है मिलते कुछ है, तो उसमें तो 1.5 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख तक की मिल रहा है। नहीं, 35 ही मिले हैं, 1 लाख 35 कौन कहता है 2.5 मिलता है। अच्छा, तो आपको मिला है मकान के लिए पैसा मिला है 1.35? अच्छा, बस तो आज कम से कम सरकार ने आपको इतना पैसा तो दिया कि अपन एक छोटा सा मकान बना वो तो फिर इतना तो सुनो कोई पार्टी कर देंगे करती है आपकी काम कौन है अच्छे समझ रहे हैं आप। जैसे कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार इस योजना को इस टाइप की योजना और बढ़ाएगी? हाँ, बंदे पहले बढ़ाए 2.5 लाख की भाई थी, हमारे गाँव में 400 घर है, 400 घर में 3 आदमी की छूट भाई थी। अच्छा, दो बे भी 2 लाख 2-2 लाख भाई थी।
आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? हम दिशा के पास के हैं। दिशा के पास नटेरन वगैरह से कहीं आसपास? सिरोंज नहीं, पूरा में है, हम गांव ही हमी तो गाँव। तो वहां आपको मकान के लिए सिर्फ तीन लोगों के लिए मिला है बस? नहीं नहीं, वैसे तो प्लाट बन रहे हैं। अच्छा, बन रहे हैं नहीं है समझ में, बात नहीं है, मानो कहते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, चलो बातचीत के लिए हमसे धन्यवाद दादा, राम राम। साथ वो उठे साथ एक ट्रेन बैठ कर। तो सरकार की कोई योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको कोई? इसी अपन विकलांग 600 रुपये, 600 रुपये आपको इसके विकलांग योजना के मिलते होंगे। तो आपका कार्ड नहीं बना आपका इलाज के लिए? जब जो कुटी मिल रही है उसके लिए कुछ लोन वगैरह? नहीं नहीं अपन। क्यों नहीं लिया आपने? जगह ही नहीं थी, घर बना। जमीन नहीं है अपने पास, प्लाट नहीं है अपने पास, इसलिए आप रोइए। मैं शांत रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल। देखिए अपन जो भी बातचीत कर रहे हैं, आपके मन की बात जानने आया, आप रोइए मत, बिल्कुल आराम से बात करिए। आप आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। आप चुनाव खत्म होने के बाद उनके पास जाएंगे कि भाई हमको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आप उनसे बोलेंगे जाके? बोलेंगे नहीं बोलेंगे, भोपाल में जाऊँ, उनका घर है, उन्होंने लिख के रखा है मामा का घर है, आप आइए मेरे घर, सबकी समस्याओं को मैं हल करूंगा। जाएंगे अपन, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल। आप उनके पास जाइए और आप अपनी समस्याएं बताइए, आपकी समस्या का हल होगा ना, विश्वास रखिए आप। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, राम राम। ₹6,000 भर दें बीमा के। बीमा की अपन पे पॉलिसी है सब कछु है। कौन सी कंपनी की पॉलिसी? LIC की है, लेकिन LIC को बीमा नहीं मिल पहुंची। आप LIC के बड़े दफ्तर गए थे, उनको वहाँ कंप्लेंट करी जाकर? नहीं गवा, एजेंट यहीं का रहने वाला है। एजेंट पास होते ही करवा तो अपन। क्या नाम है एजेंट का? जो पता नहीं है, हरिजन है वो। आप उनका नाम बताइए ना, वहाँ जाके आप LIC के दफ्तर भोपाल जाइए, वहाँ पे उनसे बातचीत करिए, तो अपना मेडिकल दिखाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए। मेडिकल शार्ट परसेंट है वो अपनो। अच्छा, हाँ तस्वीर कलेक्टर साहब को भरिया दरखास्त लगा दे, लिख के जो देते चल रही तो यहाँ चांस कटे हो, चांस पाँव कटे हो, जो यहाँ का फूट जाए कहीं तब बीमा मिलता है, ऐसे बीमा नहीं मिले कहीं लगा। मुँह पे लिखी धरी है बीमा बारे में थी, कलेक्टर साहब द्वारा ही लिखी मिली थी मुँह, कलेक्टर साहब कहीं मैंने रजिस्ट्री करी, सुबह मुझे पास रजिस्ट्री लिखी धरी है, बल्ले को कागज अब लाऊँ आपका, तो अब घर है धर्म मेरी, तो वहाँ में जो कहते हैं ये हाथ काटे दो यहाँ जांच ना हो कलांच, ये दो ही पाँव कटे, ये दो ही यहाँ का फूट है, तो बीमा मिलते कहीं, बीमा भी ऐसे नहीं मिले कहीं इलाज की। तो आपके कोई सरकार कोई दुर्घटना में आपके साथ ये सब हुआ? मेरे साथ जो लकवा मार का बहुत लकवा से का तेरा लाश पैरालिसिस, मतलब एक हाथ और एक पाँव काम नहीं करे मेरा। तो आयुष्मान योजना का कार्ड मिला होगा ना आपका, इलाज हुआ होगा 5 लाख रुपए का? धरवे कार्ड में इलाज नहीं करवा, बस प्राइवेट इलाज करवा रहा हूँ गुलाबगंज, यहाँ गुलाबगंज में इलाज हो रहा हूँ अपना कहीं, और अपनी कन्या से बात होता है, जनता पार्टी आई है कि किसानों को कर्जा माफ करो, किसानों को जमीनन की जो मुआवजा दे रही है, फसल बीमा दे रही है, और जो गैस टंकी अब पहले जमाने में कितने 7.5 से कनेक्शन मिले तो 7,500 को, अब फ्री में 15-16 से कनेक्शन मिल जाते, 33 से मिल जाते, 4-5 हज़ार मिल जाते, इससे ज़्यादा कनेक्शन नहीं। तो आपने लिया कनेक्शन? अपन ने कनेक्शन लिया है 3,500 को अपन गए। उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शन बटा है? उज्ज्वला योजना नहीं है वो। अच्छा, उज्ज्वला योजना पहले ले लो हमने। अच्छा, उज्ज्वला बाद में चल गया, इसको कनेक्शन अपन पे नहीं है, डिलीवरी से मना कर दी मैंने। आपके घर में किसी को लाडली बहना योजना के पैसे मिलते हैं? मिलते हैं। कितने लोगों को मिलते हैं? मेरी पत्नी। अच्छा, और किसी को नहीं मिलते? और किसी को? और घर में महिलाएं जितनी उनको?
बाबू को नौले को नहीं है। अच्छा, कई साल की हो गई थी बाबा जी, इस बार नहीं मिल। अच्छा, एक मोड़ा गया हो जा क्या चल, जो कॉलेज पास करे है वो भी जा नौकरी मौकरी नहीं है, तो अपन धंधे बहुत नहीं करें नहीं, जो नहीं इच्छा देगा वो। अच्छा, तो वो अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। चलो, आपकी समस्या हम बताएंगे लोगों को, और जितना संभव हो सकेगा आपकी मदद भी करेंगे ना। धन्यवाद। हमने दादा से बातचीत करी, उनके विचार सुने, उनको तकलीफ जहाँ तक कोशिश हो सकेगी हम उनका मार्गदर्शन करेंगे, इनके लिए कोशिश करेंगे कि उनके तकलीफ का ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण हो सके। हमसे बातचीत के लिए बने रहे।